मैं आपको बहुत ही दर्दनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक्चुअल बहुत ही हृदय विदारक चीज़ है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी ये गलती अपने बच्चों के साथ नहीं करें। अभी मेरे पास जो बच्चा आया है, मैं इसका फेस नहीं दिखा पाऊँगा आपको, आप देख सकते हैं। ये कितने साल का है बाबू? 3 साल का है। 3 साल का बच्चा है जिसकी हृदय विकारक ढंग से मृत्यु हो चुकी है, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी ये नादानी ना करें। मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ ये बच्चे का जो है देहांत किस अवस्था में हुई है। आप सीधे तौर पे देखें, बहुत ही छोटी गलती के कारण ये बच्चा, मतलब यह बच्चा जो है मृत्यु का प्राप्त किया है। बहुत ही छोटा कारण है जिसके कारण इसकी डेथ हुई है, और ये छोटा कारण से आप सभी भी अपने बच्चों के साथ, अगर बच्चे खेलते हो, उनके हाथों में गुब्बारा ना दिया करें। मैं ये डेमो नहीं दिखाना चाहता था, ये चीज़ आपको नहीं दिखाना चाहता था, अगर लेकिन नहीं दिखाऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ कैसे आएगा। लाओ तो इसको लैरेंजो दिखाओ, एक ये लाओ, फॉरसेप दो। ये मैं बच्चे का तो फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, बहुत ही मासूम बच्चा था और इसकी डेथ हो चुकी है, और ये बहुत ही छोटा कोद से मरा है बच्चा। ये गुब्बारा जो है, बच्चे खेल रहे थे उसी दौरान, ये फुलाने के दौरान इसके जो है श्वास नली में गुब्बारा फंस गया, और ये 1 घंटा पहले डेथ हो चुका है। लेकिन ये मिर्जापुर के हैं और बसंत लगभग, और हमारे यहाँ आने में लगभग इनको टाइम लगा 1 घंटे का। काश मैं इस बच्चे के पास उस समय होता तो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ बच्चे का डेथ क्यों हुआ है। लाओ ना ये दो ना लैरेंजो, और वो एक फोर्सेप लाओ ना कोई, हाँ फोर्सेप लाओ, हाँ ले जाओ, ले जाओ इसको, ले जाओ। 1 मिनट निकाल रहे हैं तुम्हारा कैसे बच्चा डेथ किया है, देखो। सॉरी दोस्तों, ये दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरत है ताकि आप सब भी सतर्क हो जाएं, अपने बच्चे को अकेले ना खेलने दें, खासकर बच्चे के हाथों में गुब्बारा ना दें, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ हो सकता है। आपको दिखा रहे हैं इसका डेथ कैसे हुआ है, देखिए मेरे, लो बेटा इसको ऐसे करो, 1 मिनट इसको ऐसे करो, दिखाए, देखिए ये गुब्बारा है अंदर, टर्स यहाँ दिखाओ, अंदर दिखाओ टर्स, भास्कर लाइट लिखना टर्स, देखिए ये गुब्बारा दिख रहा होगा आपको, दिखाओ टर्स, कृपया ये भूल आप सब भी ना करें, बच्चों को अकेला ना खेलने दें। लाओ ना फोर्सेप दो ना, एगो टिश्यू फोर्सेप, ऐसे देखिए, बहुत छोटा सा गुब्बारा इसका, बेवकूफ दिखा रहे हैं हम नेट पे तुम, ये छोटा सा गुब्बारा बच्चे के श्वास नली में अटकने से इसकी जान चली गई है। सर कितना आसान था यही, एकदम आसान था ना निकालना, कुछ नहीं कुछ था इसको, तो बोलो, एक उंगली डाल के आप निकाल सकते थे, निकालने के लिए कितना आसान था, बताओ कितना इजीली ये निकल गया, तुम्हारे बच्चे का जान चला गया, बच्चा जान ले लिया, एक छोटा सा गुब्बारा बच्चे का जान ले लिया ना, निकालने में टाइम नहीं लगा दोस्तों, यही गुब्बारा के कारण इस बच्चे का जान चला गया है। तो मैं कभी इस नेट पे दिखाना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग को दिखाना मजबूरी है कि बच्चों को कृपया आप इन गुब्बारों से दूर रखें और अकेले खेलने ना दें, ठीक है। इसका किसी जी निकाल दो, बच्चा का निकाल के छोड़ दो, नहीं है बच्चा, सॉरी दोस्तों, ये छोटा सा गुब्बारा इस बच्चे की जान ले ली जो 3 साल का बच्चा था, और यह हृदय विकारक जो घटना है, एक अगर चतुर आदमी होता वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एकदम इजीली था, इसे उंगली के जरिए या किसी बहुत इजीली निकाला जा सकता था इसको, बस काश यह बच्चा मेरे पास होता उस समय जिस दौरान यह गलती हुई। कृपया ऐसी गलती आप आसपास ना करें,
और अगर इस तरह की घटना हो तो उसे तुरंत सॉल्व करें, बच्चों को लिटाकर सीधे से उसे, क्योंकि वहाँ तक श्वास नली के ऊपर ही ये फंसा हुआ था, इजली निकाला जा सकता था इसको। ठीक है बेटा, इसको लो धरो, ले जाओ दिखाना लोग को, छोटा सा जान ले लिया ना बच्चा। इसके साथ साथ मैं एक और बताने वाला हूँ कि अभी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें पहला दिन जो एग्ज़ाम था इसमें हमारे बहुत से बच्चे जो है एक्सीडेंट कर गए, जैसे मशरख में 3 बच्चे, छपड़ा में, वैशाली में। तो मैं उन तमाम बच्चों से ही अभिवादन करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ गार्जियन से कि कृपया अगर एग्ज़ाम हो तो आप पहले सेंटर पर चले, घबरा के बाइक वगैरह ना चलाएँ और अपना एग्ज़ाम सफल दें। इसी के साथ मैं आज का यहीं अपना ब्लॉग को बंद करता हूँ। जय हिंद।